का तकियाकलाम। सिद्दी की एक आदत थी, उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही है? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए। अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है, तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है, चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्ध की बात बिना सर पैर की लगती है, वो उसे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में, स्टॉप मैं कहती हूँ, बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूँ तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाओ, मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ, आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो भैया? स्टॉप। बहन जी मैं तो 2 मिनट में तोल दू, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार क्या लोग हैं, स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप, आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। अब हाँ बैठिए ना सासू माँ, आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप, अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की? यहाँ मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ, सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई, बहू तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दो पैर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि, करती भी क्या, खुद की स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बना कर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती है। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ, सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा, सारा दिन काम कर करके थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने की आई थी। और यार बड़ी अजीब लड़की है, मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है। घर के सभी लोग सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती।
अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या, हम लोगों के लिए तो ये परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई, क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझ कर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे? आ कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो, स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप, कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप, कोई है? कोई स्टॉप? लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था, वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की? और इतनी घमंडी है, जब भी ना उठाने की कोशिश करो स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ, स्टॉप। पति समझ जाता है कि मामला क्या है, वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है, रुकिए मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुँचता है, हाँ तो मैम कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ। स्टॉप, डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी।